हेलो एवरीवन, आई एम ओजा कोगन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, वहाँ से वैकेंसी आउट की गई है। और वैकेंसी कैसे मर्ज क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक। वैकेंसी संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर्स की वेबसाइट ओपन आ जाएगी। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोटिस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट्स की एक लिंक मिल जाएगी एंड यहाँ से आप डिटेल्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डिटेल्स दी गई हैं एंड अप्लाई करने का लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, तो देख लेते हैं पहले क्या डिटेल्स इसमें दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 2/DPS/2023 दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस की वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट दी गई है एंड जनवरी 2024 के थर्ड वीक में आपका यहाँ पर ये टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। एंड ये पोस्ट ग्रुप सी के लिए जूनियर परचेज असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए, जिसमें लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहां पर फॉलो रहने वाला है। वैकेंसीज में जूनियर परचेज असिस्टेंट की बात करें तो यहां पर 17 वैकेंसी है एंड जूनियर स्टोर कीपर के लिए 45 वैकेंसी यहां पर दी गई है। टोटल 62 वैकेंसी दी गई है एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहां से देख सकते हैं। एंड ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर अगर आपके पास बीएससी है या आपके पास बीकॉम है या आपके पास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में है, कम से कम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए तो इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लेवल 1 एंड लेवल 2 के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड नागपुर में रहने वाला है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में लेवल 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेवल 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पर जनरल से 50 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड साइंस से जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होगा 12th स्टैंडर्ड का, ये आपके पास बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड अरिथमेटिक्स से 50, जनरल नॉलेज से 20, कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम 200 का मार्क्स होगा एंड 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। इसके अलावा लेवल 2 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज, कम्प्रिहेंशन, प्रिसिस एंड ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट बी में आपके यहाँ से नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स से होंगे, 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। एंड अप्लाई करने का लिंक वेबसाइट पर दिया गया है, तो देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर क्लिक हियर फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड या क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा एंड क्वालिफिकेशन आपके किया है, क्वालिफिकेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से कैंडिडेट नेम, किस कैटेगरी में आप आते हैं एंड आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है, आप PWD कैंडिडेट हैं, आपके मेरिट स्टेटस क्या है एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है या नहीं है, एक्स सर्विसमैन, जेंडर, ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर, ये पूरी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। फिर लॉगिन करके आप इसे स्टेप बाय स्टेप फिल करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।